वेलकम प्यारे बच्चों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा प्लस टू क्लास बायोलॉजी फर्स्ट चैप्टर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बेसिकली जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के पार्ट्स हैं उनको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। कल हमने सेक्सुअल और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो डिफरेंस था वो किया था, और साथ ही वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की कुछ एग्जाम्पल्स के साथ उसकी डेफिनेशन की। ठीक है, आज सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसके कौन कौन से पार्ट हैं और उनके आगे फिर जो सब पार्ट्स हैं उनको अच्छे से हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो असेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन है इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो है फीजर। फीजर का मतलब डिवाइड होना। तो जब किसी भी ऑर्गेनिज्म की जो सेल है वो डिवाइड हो जाती है टू डॉटर सेल में या फिर मोर देन टू डॉटर सेल्स में, तो उस तरह के रिप्रोडक्शन को हम बोलते हैं फीजन। तो यहां पे लिख लेते हैं जो फीजन है व्हेन बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म divided into two or more than two daughter cells this type of reproduction is known as fission। तो जब किसी भी ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी है वो दो या दो से ज्यादा डॉटर सेल में डिवाइड हो जाती है, इस तरह की हम रिप्रोडक्शन को बोलते हैं फीजन। फीजन को फर्दर टू टाइप्स में, टू कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, बाइनरी फीजन और मल्टीपल फीजन। बाइनरी फीजन का क्या मतलब है? बाइनरी फीजन जब ऑर्गेनिज्म की बॉडी है वो केवल दो डॉटर सेल में डिवाइड हो जाती है, जब ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी है केवल दो डॉटर सेल में डिवाइड हो जाती है, व्हेन बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म इज डिवाइडेड इनटू टू डॉटर सेल्स तो जब किसी ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी है वो केवल दो डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाती है तो उसको हम बोलते हैं बाइनरी फीजन। बाइनरी फीजन का जो एग्जांपल है वो है अमीबा। अब देखते हैं अमीबा के अंदर जो बाइनरी फीजन है वो कैसे होता है। जो अमीबा की बॉडी है वो कुछ इस तरह से फ्लेक्सिबल बॉडी होती है, जो यहाँ पे जो टेम्परेरी प्रोजेक्शंस बने होते हैं उनको सुडोपोडिया बोलते हैं। बीच में न्यूक्लियस और अंदर इसके साइटोप्लाज्म। तो जैसे जैसे ये अपनी ग्रोथ करेगा तो इसका न्यूक्लियस है वो डिवाइड होना स्टार्ट हो जाएगा, जो इसका न्यूक्लियस है वो डिवाइड होना स्टार्ट कर देगा और फाइनली न्यूक्लियस इसका डिवाइड हो जाएगा। लास्ट में जो इसका सेल है, सेल की बॉडी या साइटोप्लाज्म है वो भी ब्रेक डाउन हो जाएगा और टू न्यू अमीबा बन जाएगी। ये है हमारे पास डॉटर सेल। तो इसमें केवल अमीबा के अंदर
टू डॉटर सेल्स ही बनती है, इसलिए इसको हम बाइनरी फिजन बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं मल्टीपल फिजन में क्या होता है। मल्टीपल फ्यूजन, तो इसमें जब किसी ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी है वो दो से ज्यादा सेल्स में डिवाइड हो जाती है, तो उस तरह के रिप्रोडक्शन को हम बोलते हैं मल्टीपल फ्यूजन। व्हेन बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म इज डिवाइडेड इनटू मोर देन टू डॉटर सेल्स, तो इस रिप्रोडक्शन को हम बोलेंगे मल्टीपल फ्यूजन। जो इसका एग्जांपल है वो है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम एक तरह का प्रोटोजोआ होता है जो कि मलेरिया कोज करता है। तो इसमें होता क्या है, जो प्लाज्मोडियम की बॉडी है वो ऐसे स्फेरिकल शेप की होती है, वही बीच में न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। पेरेंट सेल लेवल जब कंडीशंस फेवरेबल नहीं होती, एडवर्स कंडीशन होती है, तो जो प्लाज्मोडियम की बॉडी है वो अपने चारों तरफ एक हार्ड कवरिंग बना लेती है कैल्शियम की, ताकि जो एक्सटर्नल टेम्परेचर है, एसिड अटैक है, या फिर जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं उनसे बचा जा सके। तो ये अपनी बॉडी के चारों तरफ लेकर हार्ड कवरिंग बना लेती है कैल्शियम की, ऐसे। लेकिन इसके अंदर जो इसका न्यूक्लियस है और जो इसका साइटोप्लाज्म है वहां पे जो डिवीजन है वो स्टार्ट रहती है, वो डिवाइड करते रहते हैं इस दौरान। तो जो इसका न्यूक्लियस है पहले वो टू में डिवाइड हो जाएगा, इसी तरह से टू के बाद फोर सेल्स में, और फोर के बाद एट सेल्स में। तो ऐसे ही ये डिवीजन इसके अंदर स्टार्ट रहेगी जब तक कि कंडीशन इसके फेवरेबल नहीं हो जाती, और जब कंडीशन फेवरेबल हो जाती है तो जो इसके अंदर सारी सेल्स हैं वो क्या करते हैं, जो आउटर कवरिंग बनी है वो एक जगह से ब्रेक डाउन हो जाती है, और तो इसके अंदर की जो सेल बनी है डिवाइड होके वो सारी अलग अलग इंडिविजुअल के रूप में बाहर आ जाती है। तो ये जितने भी हैं ये सारे डॉटर सेल्स हैं। ये सारी की सारी सेल अलग से इंडिविजुअल की तरह अपनी ग्रोथ कर सकती है, तो ऐसा प्लाज्मोडियम के केस में होता है जो कि एक मलेरिया कोज करने वाला पैरासाइट है। तो आगे बढ़ते हैं, फ्यूजन हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है बाइनरी और मल्टीपल फ्यूजन। उसके बाद बडिंग, बडिंग में देखते हैं क्या होता है।
बॉडी में जो ऑर्गेनिज्म की बॉडी है उस बॉडी के ऊपर एक स्मॉल बड प्रेजेंट होता है जो धीरे धीरे अपनी ग्रोथ करता रहता है और फाइनली पेरेंट्स की बॉडी से अलग हो जाता है और एक नया इंडिविजुअल बन जाता है। इस तरह के रिप्रोडक्शन को हम बडिंग बोलते हैं। स्मॉल बॉय प्रेजेंट ऑन पेरेंट बॉडी व्हिच ड्वेल एंड फाइनली डिटैच एंड ग्रो एज न्यू इंडिविजुअल। तो जब किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी पे एक छोटा सा बड प्रेजेंट होता है वो अपनी ग्रोथ करता है और फाइनली उसे अलग हो जाता है और एक नए इंडिविजुअल की तरह अपनी ग्रोथ करता है। इस तरह के रिप्रोडक्शन को हम बोलते हैं बडिंग। जो इसके एग्जांपल्स हैं वो है हाइड्रा और ईस्ट। हाइड्रा और ईस्ट, तो अब देखते हैं हाइड्रा और ईस्ट में बडिंग कैसे होती है। तो सबसे पहले बडिंग इन हाइड्रा, बडिंग इन हाइड्रा। तो हाइड्रा की जो बॉडी है, हाइड्रा एक वाटर का ऑर्गेनिज्म है, हाइड्रा की जो बॉडी है वो कुछ इस तरह से होगी। इसको हम पेरेंट्स बॉडी बोल सकते हैं। तो इसकी जो बॉडी है उसमें एक बड बन जाता है, बड बनना स्टार्ट होता है। स्टार्टिंग में बड वो बिल्कुल छोटा सा होता है। धीरे धीरे करके जो ये बट है ये अपनी ग्रोथ करता रहता है। ठीक है, और फाइनली जब वो अपने ऑप्टिमम साइज को गेन कर लेता है तो बट है वो पेरेंट्स बॉडी से अलग हो जाता है। तो ये पेरेंट सेल थी और साथ में जो बट था वो अलग हो गया। तो ये जो दो डॉटर सेल है वो बन जाती है यहाँ पे, डॉटर न्यूक्लियाई बोल सकते हैं, यहाँ पे डॉटर बॉडी बोल सकते हैं। तो इस तरह से हमारा जो हाइड्रा है उसके अंदर रिप्रोडक्शन हो जाता है। स्टार्टिंग में एक हाइड्रा था, उसके ऊपर बड प्रेजेंट हुआ, बड ने अपनी ग्रोथ की, फाइनली वो बड अपने तो पेरेंट्स बॉडी से उससे अलग हो गया और अलग से इंडिविजुअल बन गया। तो ये हाइड्रा के अंदर बडिंग ऐसे होती है। उसके बाद ईस्ट के अंदर देख लेते हैं बडिंग कैसे होगी। बडिंग इन ईस्ट, ईस्ट का हम बहुत सारी जगह पे यूज करते हैं फर्मेंटेशन के रूप में या भी बेकरी में, तो वो काफी तेजी से अपनी मल्टीप्लिकेशन करता है। तो देखते हैं जो ईस्ट की बॉडी है वो कुछ इस तरह की होगी। बॉडी के बीच में न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म है, पेरेंट बॉडी। अब जो उसकी बॉडी है उसके ऊपर भी बड्स बनने स्टार्ट हो जाते हैं ऐसे।
फाइनली जो ये बड्स बने हैं वो भी पेरेंट्स की बॉडी से अलग हो जाते हैं एज ए न्यू इंडिविजुअल। तो ये सारे डॉटर कोटिंग है। तो इस तरह से जो ईस्ट है उसके अंदर बड्स की एक चेन बन जाती है। इसमें जरूरी नहीं है कि केवल दो ही डॉटर कोटिंग बनेगी, इसमें बहुत सारे डॉटर कोटिंग बन सकते हैं। तो ये हो गया हमारा बडिंग। उसके बाद कुछ और टाइप्स हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जिनको हमने एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग डिटेल में नहीं पढ़ना है, केवल इनके नाम और एग्जांपल याद करने हैं कि ये किसमें होता है। जो जूस्पोर है ये क्लेमिडोमोनस के अंदर होता है जो कि एक एल्गी है। जूस्पोर है वो क्लेमिडोमोनस के अंदर होता है। उसके बाद पोलिडिया पेनिसिलियम के अंदर होता है, ये एक फंजाई है। और जो गैमोल्स है वो स्पंजिस के अंदर होता है। स्पंजिस हमारे जो एनिमल किंगडम है उसके सबसे फर्स्ट मेंबर है, काफी सिंपल ऑर्गेनिज्म है। तो उनके अंदर गैमोल्स जो हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड है उससे रिप्रोडक्शन होता है। तो यहाँ पे हमारा जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो जब हम स्टार्ट करेंगे तो उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे काफी डिटेल से। तब तक के लिए हैव ए नाइस डे एंड थैंक यू।